Hello guys, welcome in my channel SPT999. This is lecture 17 for computer application and HTML part 7. और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंकर टैग के बारे में. एंकर टैग जो ए से डिनोट होता है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं कई वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए. तो यही वो टैग है जो वेब पेजेस को आपस में लिंक करके उन्हें वेबसाइट का रूप देता है. क्योंकि वेबसाइट में आप देखते हैं कि जितने भी पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, वो सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं. आपको एक लिंक दिया जाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है, वहाँ से आप बैक आते हैं या कोई दूसरा लिंक वहाँ पे मिलता है तो उस पर क्लिक करते हैं तो आप तीसरे पेज पे पहुँच जाते हैं. तो अभी तक आपने वेब पेजेस बनाना सीखा हुआ है. इसी तरह से एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप अलग अलग तरह के वेब पेजेस बना लेते हैं, फिर एंकर टैग का यूज़ करके आप उन सभी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं. जस्ट लाइक कि हम लोग पेजेस प्रिंट करवाते हैं, फिर उन पेजेस की बाइंडिंग करवाते हैं, तो एंकर टैग यहाँ पे वेब पेजेस की बाइंडिंग करवाएगा और आपको एक कंप्लीट बुक यानी कि वेबसाइट बना करके देगा. तो एंकर टैग के यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हैं जो मेन है. एक है HREF जो रेफरेंस देगा कि किस वेब पेज को आप लिंक करने वाले हो, उसका नाम बताइए या जिस फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं. और उसके बाद उस लिंक पे जब क्लिक किया जाएगा तो वो खुलेगा कहाँ, टारगेट उसका क्या होगा. तो सेल्फ का मतलब जहाँ पे क्लिक किया है उसी जगह पे खुल जाए, उसी टैब में खुल जाए. और ब्लैंक का मतलब एक नया टैब ले लेगा और नए टैब में खुलेगा ये. तो बेहतर ढंग से समझने के लिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए, हमने तीन वेब पेजेस पहले से बना रखे हैं, पेज वन, पेज टू, पेज थ्री. और इन पे आप देख सकते हैं कि क्या है. जैसे पेज वन में ये है पेज वन, इसमें ये कंटेंट है. ऐसे ही हमारे पास पेज टू होगा. पेज टू चेक कर लेते हैं उसमें क्या है. तो ये है पेज टू, इसमें कुछ ऐसा कंटेंट दिया हुआ है. और ऐसे ही पेज थ्री है, इस पर देख लेते हैं क्या है. तो ये है पेज थ्री जिसमें ये कंटेंट है. इसके बाद देखते हैं इनका सोर्स कोड. तो नोट पैड पर ये देखिए, हमने तीन फाइल बना रखी हैं. ये पेज वन की फाइल है, ऐसे ही हमारे पास पेज टू और पेज थ्री की फाइल्स पड़ी हुई हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं पेज वन पे. अब पेज वन यानी कि फाइल वन है हमारी, ये पहली वाली फाइल है. इसमें हम चाहते हैं कि बाकी के दो पेजेस को लिंक कर दिया जाए. तो हम जहाँ पे चाहें लिंकिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम बीच में कहीं लिंक करना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग में लिंकिंग करना चाहते हैं या किसी मैटर के ऊपर लिंकिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. तो जैसे हम लास्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ लास्ट में आए और हमने यहाँ पर लिखा क्लिक हेयर फॉर. अभी हम लोग फाइल वन में तो हैं ही, तो हम कहते हैं फाइल टू. फिर लिखते हैं क्लिक हेयर फॉर फाइल थ्री. तो ये दो लिंक हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं. तो अभी तो ये नॉर्मल मैटर, आप इसको सेव करिए. और ये पेज वन है, पेज वन को ओपन करके देखिए. ये रहा पेज वन, देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर फाइल टू, क्लिक हेयर फॉर फाइल थ्री लिख करके आ रहा है. अब इसमें लिंकिंग करते हैं. तो यहाँ पे सोर्स कोड में इसके ठीक पहले आपको ए टैग स्टार्ट करना है. HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इसका फुल फॉर्म है. यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए. कौन सी फाइल है, पेज टू नाम की फाइल है, इसको लिंक करना चाहते हैं. .html फाइल है हमारी. इसके बाद स्पेस, टारगेट क्या है उसका, यानी खुलेगी कहाँ वो. तो हमने कहा कि ब्लैंक यानी कि नए उसमें खोल देना टैब में. और इसके बाद आप इसको क्या करोगे, इसको कर दोगे यहाँ क्लोज. ऐसे ही इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसमें क्लिक करके पेज थ्री यहाँ पे इसका टारगेट कर देते हैं सेल्फ. तो आपको दोनों का प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा, सेल्फ और यहाँ पे आकर के ए को कर देते हैं क्लोज. इसके बाद इसको सेव करते हैं और अपनी फाइल पे आते हैं. कौन सी फाइल, पेज वन पे. तो ये है पेज वन यानी फाइल वन. इसको रिफ्रेश करिए. अब देखिए ये अंडरलाइन भी है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है क्योंकि ये लिंक है. और जैसे ही आप इस पे पॉइंटर ले जाएंगे तो ये हैंड के शेप में आ जाता है. इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल टू खुल जाएगी. और फाइल टू कहाँ खुलेगी, नए टैब में खुलेगी यहाँ पर, क्योंकि हमने उसमें ब्लैंक लगाया था. ये देखिए फाइल टू यहाँ नए टैब में खुल गई. अब सभी का टाइटल फाइल वन ही पड़ा हुआ है, हमने चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे फाइल वन दिखा रहा है. अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर देते हैं.
ये हमारी फाइल टू, तो यहाँ पे फाइल टू कर देते हैं सोर्स कोड सेव। ऐसे ही फाइल थ्री में हम फाइल थ्री कर देते हैं और इसको सेव। अभी यहाँ पे क्लिक करिए फाइल टू में, तो नए टैब में देखिए फाइल टू खुल गई है। और अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमने इस पे सेल्फ लगाया, तो सेल्फ का मतलब है इसी की जगह पे खुल जाएगा, फाइल वन की जगह पे। क्लिक किया तो देखिए फाइल वन की जगह पे फाइल थ्री ओपन हो गया। इसको हम बैक करेंगे, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमने इस फाइल वन के साथ दोनों फाइलों को कर दिया लिंक। अब हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और पेज वन में हमने 203 को लिंक किया है, ऐसे ही पेज टू में हम पेज वन और थ्री को लिंक करेंगे और पेज थ्री में हम पेज वन और टू को लिंक करेंगे, तो सारी आपस में लिंक हो जाएंगे। तो हम कहीं भी किसी भी पेज से किसी भी पेज में जंप कर सकते हैं। तो इसको हमने कॉपी किया, ये हमारी फाइल टू, और यहाँ पे हम पहुंचे। इसमें स्टार्टिंग में लिंक दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेस्ट किया, बस ये हमारा पेज टू है, तो पेज टू हटा करके पेज वन कर दीजिए, फाइल वन कर दीजिए। ये फाइल वन का लिंक है और फाइल थ्री का लिंक भी यहाँ पे रहेगा। इसको सेव करते हैं। इसके बाद तीसरी फाइल पे चलते हैं, ये रही हमारी तीसरी फाइल और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब तीसरी फाइल यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे फाइल वन होगा। इसको सेव करते हैं। अब हम अपनी किसी एक फाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि फाइल वन। अब अगर हम फाइल टू पे जाना चाहते हैं, फाइल वन ऑलरेडी खुली है, टू और थ्री का लिंक दिया है, टू पे गए, यहाँ पे देखिए वन का और थ्री का लिंक दिया, हम ऑलरेडी टू पे हैं, टू और थ्री का सॉरी वन और थ्री का लिंक दिया है, थ्री पे क्लिक किया, ये देखिए थ्री यहाँ पे खुल गया, वन पे क्लिक किया, देखिए वन यहाँ पे खुल गया। तो सारी फाइलें आपस में लिंक हो गई हैं, किसी पे भी आप क्लिक करके सीधे किसी भी फाइल पे जा सकते हैं। तो ये होता है एंकर टैग, हम वेब पेजेस जो बनाते हैं उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। तो ये एंकर टैग का इंट्रोडक्शन बेस्ड एक सिंपल सा लेक्चर था। इसको लेकर के हम एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एंकर टैग का यूज करके। अभी कुछ और टैग्स पढ़ने बाकी हैं, तो जब उन टैग्स को हम लोग पढ़ लेंगे तो इन सब का यूज करके हम एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना करके प्रोजेक्ट वर्क करेंगे HTML में। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।